Hey there, this is Bahugura Sisters and welcome back to our channel. It's me, Shobha Bahugura. And I'm Mashi Bahugura. So, आज हम देखने वाले हैं एमी वे का एक नया गाना रिंग 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 कौन है अच्छा घंटी बजी रिंग रिंग और ये क्या कहते हैं कोलैबोरेशन है मीम मशीन के साथ. सो गाइस आपको पता ही है कि एमी वे कितना ज्यादा फास्ट है गाना बनाने में. सीरियसली अभी हाथ के गाने आते हैं खत्म हुए वांदे और हमें पता चल गया खत्म हुए वांदे ढोका मतलब छावा मतलब सब कुछ मालूम चल गया. थैंक यू आप लोगों ने सजेस्ट किया हमें मतलब बताया था ढोका कैसा कुछ नशा वशा था ना. हाँ हाँ छावा बॉयफ्रेंड सो हमें इस सब का मीनिंग और वांदे का मतलब प्रॉब्लम सॉरी हमने वादे बोला था उस टाइम पे. एक्चुअली हम वही सोच रहे थे वांदे हमें लगा गलती से कुछ लिख दिया होगा बट वो क्यों गलती करेंगे हम ही पागल थे. सो वी नो दैट इज आवर फॉल्ट. इसलिए प्रॉब्लम था उसका मतलब. सो देखते हैं रिंग रिंग में क्या है और ऑब्वियसली अगर इसमें ऐसा कुछ होगा तो आप में बताना इनकी मीनिंग्स ठीक है. हाँ वैसे तो आप बताइए सब कुछ बताइए तो अगर हम लोग को समझ में नहीं आता तो और बहुत मजा आता है. सो लेट्स चेक इट आउट. बंटा स्टूडियो अब रिंग रिंग करे मेरा फोन yeah. मैं पूछू कौन शॉर्टी बोली इट्स बीन सो लॉन्ग yeah. मीट मी अलोन. अब रिंग रिंग करे मेरा फोन yeah. मैं पूछू कौन शॉर्टी बोली इट्स बीन सो लॉन्ग yeah. मीट मी अलोन. अब रिंग रिंग करे मेरा फोन तुझसे बात नहीं करना आम नहीं प्यार चाहिए मुझे देगा कौन तेरे लिए फील खत्म हुआ नाम गॉन चाहिए कोई जो मुझे बताए राइट रॉन्ग स्टूडियो में होगी अभी मेक नेट सॉन्ग्स फिलहाल मैं तो खुद से रह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग कौन है वो रुका हूँ मैं व्हाई यू टेकिंग लॉन्ग सो व्हाई यू टेकिंग लॉन्ग प्लीज कम एंड एड्रेस मी हाथ में है फोन यस आई एम वेटिंग फॉर यू टेक्स्ट मी आई जस्ट नीड योर लव सो कम एंड ब्लेस मी तू अगर है साथ तो फिर आई फील स्ट्रेस फ्री. I'm feeling empty, इसलिए आजकल गाने में हो जाता हूँ सेंटी पूरी बातें नहीं बताता यहाँ पे क्योंकि बाकी के बातें बताने बनाऊंगा डॉक्यूमेंट्री. अब रिंग रिंग करे मेरा फोन मैं पूछू कौन शॉर्टी बोली इट्स बीन सो लॉन्ग yeah, meet me alone. अब रिंग रिंग करे मेरा फोन yeah, मैं पूछू कौन शॉर्टी बोली इट्स बीन सो लॉन्ग अकेला महसूस तेरा प्यार काम नहीं आया शक किया मुझ पे हमेशा कान चबाया माफी चाहता हूँ अगर मैं तुझे रुलाया मैंने बाया पूरा फिर भी अधूरा लग रहा था रिश्ता ये इसलिए मैंने खत्म कर दिया पूरा किस्सा ये खुश रहना चाहता हूँ अब तू भी कर ले डिसाइड प्यार नहीं चलेगा अगर प्यार लगे वन साइड कौन मेरा हिस्सा है जानता है कौन. I'm feeling empty, मुझे चाहिए कोई जो समझे मेरी बात है मन की इंतजार पे हूँ मैं यहाँ पे अब पता नहीं कब लेगी एंट्री. I'm feeling empty, जो भी होगी तो बस तेरी कमती इंतजार पे हूँ मैं यहाँ पे if you love me then come and tell me. अब रिंग रिंग करे मेरा फोन yeah. मैं पूछू कौन शॉर्टी बोली इट्स बीन सो लॉन्ग yeah, meet me alone. अब रिंग रिंग करे मेरा फोन yeah, मैं पूछू कौन शॉर्टी बोली इट्स बीन सो लॉन्ग yeah, meet me alone. अब रिंग रिंग करे मेरा फोन yeah, मैं पूछू कौन शॉर्टी बोली इट्स बीन सो लॉन्ग yeah, meet me alone. अरे लोकोपतिया कौन सा वर्ड इन्वेंट करा था लोकोपतिया मुहावरे ये दोनों सेम सेम होते हैं
बोलते हैं जिन्हें हिंदी आती होगी थोड़ी सी उसको पता भी आती हिंदी पर लोकोपिया वर्ड मैंने पहली बार सुना है मैंने पहली बार सुना है होता है बहन 8 तक बोलते नहीं है मुहावरे याद करो लोकोपिया याद करो मुहावरे मुझे याद है कहावते मुझे पता लेकिन लोकोपिया नहीं अरे होता है बहन कुछ होता है मैं बोल रही हूँ ना होता है सो गाइस म्यूजिक वीडियो की बात करें तो रिंग रिंग है शायद इन दोनों का ही ब्रेकअप हो गया है ये सैड टाइप का सॉन्ग नहीं है मतलब जैसे कि अब रिंग रिंग करता है मेरा फोन मैं पूछता हूँ कौन है होता है कि बहुत टाइम बाद उसका फोन आया एंड देन यू लाइक अच्छा कौन है बट बहुत अच्छा था तुम हो कैसे याद किया और मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो एमी वे उन्होंने मतलब काफी इंग्लिश में सिंग करा एंड सिंग करा रैप भी नहीं सिंग करा ये सिंगर और इस बार मुझे उनकी जो वॉइस थी वो काफी स्वीट लगी ये उसकी तरह है वो जो हमने दूसरा गाना सुना था ना अब नहीं सोना है नहीं तेरे बिन अब धुन बहुत स्वीट थी बहुत ज्यादा मतलब अगर आप उसको सुनोगे तो आप सोने लगोगे लेकिन जब रात हो रही हो तब हाँ तो ये ना उसकी तरह लगा मुझे ऐसा लगा कि उसका यू नो उसका भाई है मतलब हाँ kind of मुझे फीलिंग आई कि ये खोना की तरह स्टार्टिंग में बट स्टार्टिंग तो मीम मशीन से भी थी वो गा रहे थे क्लाइंट no, फिर उसके मास्क क्यों लगा रखा था जो मीम मशीन क्या तो शायद ओके मैं नहीं दिखाऊंगी अपना फेस सॉरी दिखाऊंगा ओके मीम मशीन यू नो फीचरिंग वाले सॉन्ग्स में एक और अच्छी बात भी हमारे लिए हमें पता चलता है एक और भी है गाना मतलब उसमें काफी कुछ उन्होंने बोला है कि मतलब आजकल हो जाता हूँ सॉन्ग्स में सेंटी क्योंकि इसके नहीं क्योंकि इसके ऊपर बनाने जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री नहीं और नहीं बोलूंगा और नहीं बोलूंगा क्योंकि इसके ऊपर बनाने जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री दैट मींस अपनी अपकमिंग यू नो प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहे गाने ऐसा सिर्फ हम गेस कर रहे हैं उन्होंने हमें लग रहा है फोन रिंग रिंग नहीं कर रहा सबका फोन ऐसे बजा एमी वंडे का फोन ऐसे बजता है सीरियसली सबका फोन ऐसे बजता है उनका फोन ऐसे बजता है इतना खराब सा तेरे को ये अभी मैंने देखा था मैंने उनकी तरह नहीं करा बट हाँ मेरी बैड है डांसिंग तो मुझे आसान बट बीच बीच में कुछ कुछ लाइंस बहुत क्यूट क्यूट सी थी और गाना बहुत स्लो था और पता है मेरे को क्या लग रहा था सीरियसली गाइस मे बी आपको भी ऐसा लग रहा था ना कि ये पूरी जो एमवीए म्यूजिक वीडियो पूरी वन गो में बनाई है वन गो में नहीं पागल बहन देख नहीं रही थी तू वो जगह चेंज करे जा रहे थे पीछे पीछे और ऐसे ऐसे उन्होंने काफी डीपली सोचा है और शायद वो कहीं ना कहीं एक जो पर्सन होता है उसकी लाइफ को देख के बोल रहे होंगे एक जो मतलब जनरल पर्सन होता है क्योंकि एवरीवन्स नीड लव हाँ मतलब लाइफ मतलब जेन्युइन लव एंड जिस तरह से वो मतलब लाइक एक्सप्रेस जिस तरह से वो एक्सप्रेस कर रहे थे ना कि I'm feeling empty inside yeah, and सब गाने सब मैं गाने पे निकालता हूँ गाने में बताता हूँ गाने इसलिए गाने में सेंटी हो जाता हूँ फुल स्टोरी नहीं बताऊंगा आगे डॉक्यूमेंट्री आ रही है वो नहीं वो सारा मैंने डॉक्यूमेंट्री के लिए रखा है वो वाला पार्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए रखा हुआ ये तुम्हारा ट्रेलर है I'm feeling empty inside so गाना बहुत हां गाना बहुत अच्छा लड़की के नजारे के पीछे उनकी जरूरत नहीं थी मतलब I feel like मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ मुझे भी ऐसा लगा कि एमी वे और मीम मशीन इनफ थे मतलब पूरी वीडियो के लिए और अपना कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बट मैंने एक चीज नोटिस की कि वो कुछ डाल रहे था कोई जब ना वो वॉशरूम में हाथ धो रही तो लड़की है उसने पीछे ऐसे धो रहे थे तो उनको लड़की बना दे ओके धो रहे जब वो वॉशरूम में हाथ धो रहे थे तो एक लड़की ऐसा लगा ऐसे वो उनकी जो पानी का ग्लास है जो भी उसमें कुछ डाला उसका क्या मतलब क्योंकि उसके आगे वो समझ कहीं दिखाया नहीं कि वो ग्लास किस पर दिया हाँ तो ग्लास वहीं का वहीं रह गया मुझे लग रहा है ना पता चल गया होगा I don't know वो
वो एज एक्सीडेंटली ऐसा था या फिर कोई इंटेंशन था उसके पीछे, कुछ इंटेंशन या फिर कुछ मैसेज देना चाह रहे होंगे, कहीं स्टोरी बना रहे थे ना कि पार्टीज में मतलब इधर उधर कुछ डाल देते हैं। बट लड़कियों के लिए होता, लड़कों के लिए होता भाई, सबके लिए होता है, वो इंसान नहीं होते। अरे नहीं, मतलब मैंने सुना अच्छा, लड़की के साथ ऐसा होता है, क्या पता लड़की वो लड़कों की उसमें ड्रिंक में डाल के और उनके पैसे लेके भाग जाए। ऐसा चोर लड़कियां भी होती है, क्यों नहीं होती भाई, हर तरह की लड़कियां होती है। बट मैं ये नहीं कह रही कि जो ये वीडियो देख रही है वो ऐसी लड़की है, नो नहीं। ओके सो आई मीन सॉन्ग वाज ऑसम, मुझे बहुत अच्छा लगा सॉन्ग। और ऑब्वियसली एमी वे जो है वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, तो वो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं, तो मुझे डिफरेंट कुछ नया होता है। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी कि वो सिर्फ एक रैपर बन के नहीं रह जाते, वो हर चीज की तरफ थोड़ा सा मुड़ते हैं और ट्राई करते हैं, और वो अफ्रेड नहीं होते ट्राई करने, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। उनके घर हर हफ्ते आते हैं ये चीज इसको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है हफ्ता हो गया, हफ्ता खत्म हो रहा है, एनुअल गाना आने वाला होगा ये मुझे, हम लोग तो मतलब खत्म हुए, मिस कर दे, खत्म हुए वांदे से ही हम क्या कहते हैं ओवरकम नहीं हुए थे अभी तक। और मतलब, अगर हम मिस कर दे कि हाँ उनका गाने आने वाला है, आप लोग पहले बता दो कमेंट में कल गाना आने वाला है, यो पहले बता दो कल, वैसे मुझे पता चल जाता है उन्हें फॉलो करते नहीं, मतलब बाय चांस वी मिस समथिंग तो आप तो हो ही, बताने के लिए आप बताइए तो कमेंट्स में। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो गो टू सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, एटलीस्ट इस सॉन्ग के लिए यार। हाँ मतलब यार, इनके सॉन्ग तो सारे अच्छे होते, मैं क्या ही बोलूँ, हर सॉन्ग कुछ मन बोला हम बंद करें वीडियो। सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।